दोस्तों, इंग्लिश विंग्लिश के नए सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने 10 अंग्रेजी के आम बोलचाल के नए वाक्य लाया हूँ। इन्हें मैं लेवल 2 में शामिल कर रहा हूँ। इनका स्तर लेवल 1 से थोड़ा बेहतर है। ये उनके लिए हैं जिन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ना या इंग्लिश न्यूज़ देखना शुरू कर दिया है, परंतु अभी शुरुआती स्तर पर ही हैं। आइए इनको एक एक करके समझते हैं। दोस्तों, पहला वाक्य जो आज मैंने आपके लिए चुना है वो है, चोरों ने सोमवार को फिर से वार किया। थीव्स स्ट्रक अगेन ऑन मंडे। थीव्स स्ट्रक अगेन ऑन मंडे। स्ट्रक का मतलब वार करने से है। पीड़ित ने पूरी घटना पुलिस वालों को बताई। द विक्टिम नैरेटेड द एंटायर इंसिडेंट टू द कॉप्स। यहाँ पर पीड़ित की अंग्रेजी हुई विक्टिम और घटना बताने को नरेट करना कहते हैं, और पूरी घटना एंटायर इंसिडेंट। एंटायर मींस पूरी। नेक्स्ट, मृत की पहचान प्रेमनाथ के रूप में हुई। द डिसीज्ड और डेड वॉज आइडेंटिफाइड एज प्रेमनाथ। द डिसीज्ड डेड वॉज आइडेंटिफाइड एज प्रेमनाथ। दोस्तों, यहाँ पर डिसीज्ड भी यूज़ कर सकते हैं और डेड भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का अर्थ एक ही है। अब इसको हम ऐसा नहीं कि खाली एक ही वाक्य में बोल सकते हैं, जैसे मृत की पहचान प्रेमनाथ के रूप में हुई, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो मृत था उसका नाम प्रेमनाथ था। तो दोनों ही सूरतों में ये सेंटेंस सही है। नया वाक्य, दो सांडों ने लड़ना शुरू कर दिया। द टू बुल्स स्टार्टेड स्पारिंग। द टू बुल्स स्टार्टेड स्पारिंग। दोस्तों, स्पारिंग का अर्थ यहाँ पे है लड़ने से। मोहन की मौत सर पर चोट लगने से हुई। मोहन सकम टू हेड इंजरीज। मोहन सकम टू हेड इंजरीज। सकम वर्ड उस लिए यूज होता है जब मृत्यु किसी वजह से होती है, या चोट लगने से, या एक्सीडेंट से, या किसी भी वजह से हुई, तो उसके लिए हम सकम यूज़ करते हैं। और उसके बाद जो प्रपोजिशन होता है वो टू होता है। तो क्या सेंटेंस हो जाएगा, मोहन सकम टू हेड इंजुरीज। नया सेंटेंस देखते हैं, सुरेश की दुर्घटना पिछले वर्ष हुई थी। सुरेश हैड मेट विद एन एक्सीडेंट लास्ट ईयर। सुरेश हैड मेट विद एन एक्सीडेंट लास्ट ईयर। यहाँ पर मेट के बाद विद भी लगता है अंग्रेजी में, इस बात को ध्यान में रखें। नया सेंटेंस, उसकी मौत ज़्यादा खून बहने से हुई। ही डाइड ड्यू टू मेजर ब्लड लॉस। ही डाइड ड्यू टू मेजर ब्लड लॉस। युगल या जोड़े की शादी पिछले वर्ष हुई थी। The couple had tied the knot last year. The couple had tied the knot last year. दोस्तों, tied the knot का अर्थ होता है शादी करने से। इसके स्थान पर हम marry का प्रयोग भी कर सकते थे, लेकिन tied the knot का प्रयोग भी काफ़ी आम है, जो अक्सर हम करते हैं। अब नया सेंटेंस देखें, ज़रूर या अवश्य हम लगातार लड़ते रहेंगे या लड़ाई जारी रखेंगे। ऑफ कोर्स वी विल फाइट ऑन। ऑफ कोर्स वी विल फाइट ऑन। फाइट ऑन का अर्थ हुआ लड़ाई जारी रखना, लड़ते रहना। नया सेंटेंस देखें, मोहन को शक हो गया। मोहन ग्रू सस्पिशियस। मोहन ग्रू सस्पिशियस। सस्पिशियस होने के लिए ग्रो सस्पिशियस होता है, चूँकि पास्ट टेंस हमें यूज़ करना है, तो ग्रो का पास्ट टेंस जो होगा वो ग्रू होगा। तो यहाँ सेंटेंस होगा, मोहन ग्रू सस्पिशियस। दोस्तों, ये 10 वाक्य काफ़ी उपयोगी हैं। आप वीडियो को बार बार देखकर इनकी प्रैक्टिस करते रहें, ताकि आप इन्हें भूल ना पाएं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नए वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। अगले वीडियो तक कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर।
थैंक यू।